दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मिले रेगुलर वीडियो अपडेट्स और पोस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पेस मिशन क्लास 10 के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे, क्या बताया? देखो, इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट। तो हमको एक प्लैनेट का इन्फॉर्मेशन दिया है, उसकी हमको एस्केप वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले हम वो इन्फॉर्मेशन लिख के लेंगे जो जो गिवन डाटा है। तो देखो, शुरू करते हैं। फॉर दैट प्लैनेट ऑफ दैट प्लैनेट मास, सबसे पहले मास का इंफॉर्मेशन दिया है, तो मास ब्रैकेट में m इक्वल टू मास कितना है, 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। इसका मतलब 8m इक्वल टू 8 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना है, देखो मास ऑफ द 6 × 10⁴ kg है, तो आएगा 6 × 10⁴ kg। फिर बाद में बताया एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसका आएगा 2r। तो कितना आएगा, 2r इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कितना है अर्थ का, 6.4 × 10⁶ m। ये अर्थ का है और हमको ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी लगेगा क्योंकि एस्केप वेलोसिटी भी जी का भी वैल्यू आता है, तो वो भी हम लिख के लेंगे। आपको एग्जाम में लिखना है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। तो ये हो गया पूरा डाटा। अब हम क्या करेंगे, उसका एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट का क्या निकालेंगे, एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इक्वल टू कितना आएगा, फॉर्मूला क्या देखो, अंडर स्क्वायर रूट 2gm अपॉन आर। ये इसकी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो अंडर स्क्वायर रूट सभी वैल्यूज क्या करो, तो रिप्लेस कर दो, तो सबसे पहले 2 × g का वैल्यू कितना है, 6.67 × 10⁻¹⁻ इंटू मास, मास का वैल्यू कितना है, 8 × 6 × 10⁴ अपॉन आर। रेडियस का वैल्यू कितना है, 2 × 6.4 × 10⁶ 10⁶। अभी यहां पे देखो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो जो कट होता है पहले वो कट करके लेंगे। अभी यहाँ देखो क्या क्या कट होता है, इसमें ये 2 इधर कट हो जाएगा, ये 2 भी कट हो जाएगा। बाकी सबसे पहले क्या करेंगे, आसानी के लिए पॉइंट्स को कट करके लेंगे। 6.67 है तो इसका पॉइंट कट करेंगे, तो ये क्या है, 6 6 7 लिख दो। और ये न्यूमरेटर में अगर इसका पॉइंट कट करना है तो पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 1 डाल दो और पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, इसलिए 2 0 6 को डिवाइड कर दो, पॉइंट कट करना है। और अभी यहाँ नीचे देखो 6.4 है तो इसको 64 लिख दो, इसका पॉइंट कट करना है, तो पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो न्यूमरेटर में 1 और पॉइंट के नंबर बाद में 1 नंबर, इसके लिए 10 डाल दो। तो इन दोनों के पॉइंट क्या हो गए, कट हो गए, बचा क्या 10⁻¹⁻ और 10⁻²⁴ इसके नज़दीक ले लो, तो हमको सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। बचा क्या ऊपर, 8 × 6 बच गया, इसको एज इट इज रख दो। फिर देखो डिनोमिनेटर में बचा क्या, 10⁻⁶ इक्वल टू,
अभी देखो इधर क्या बचा, 67, 10, 10, 10, ये देखेंगे तो तीनों का बेस सेम है। हमने लॉ ऑफ इंडेक्सेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, ए रेस टू एम प्लस एन। अगर बेसिस सेम है तो इनके इंडेक्सेस को क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो हम वही चीज इधर करेंगे, वही चीज हम इधर करेंगे, तो ये 667 को एज इट इज रख दो, 667 इंटू देखो 10 और 10, 10 इसका रेस टू कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है, 10 रेस टू 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 11 कितना आएगा, माइनस 10 कितना आएगा, 10 रेस टू माइनस 10, फिर 10 रेस टू माइनस 10 इंटू 10 रेस टू 24 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा, माइनस 10 अलग अलग साइन होने की वजह से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 रेस टू 14, ये आ गया 10 रेस टू 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 11 आ गया माइनस 10, माइनस 10 माइनस प्लस 24 करेंगे तो क्या आएगा, 10 रेस टू 14, 10 रेस टू 14। और इधर ऊपर 8, देखो 8 को इधर क्या करेंगे, इधर आसानी से कट हो जाता है तो क्या करेंगे, कट कर देंगे, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, 8 वन ज़ा 8 और ये क्या हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, वापस से ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और एक कट होके बचेगा 2 4 ज़ा 8, ये बचेगा। तो देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 और 3, 1 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 3 बच गया। और डिनोमिनेटर में देखो अभी 100, 100 का मतलब क्या होता है, 10 रेस टू 2 होता है, 10 दो बार 10 10 ज़ा 100 होता है और ये 10 रेस टू 6 है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी बेसिस सेम है 10 रेस टू 2, मैं तुम्हें सिंप्लीफाई के लिए ऐसे लिखता हूँ, 100 की जगह 10 रेस टू 2 लिखता हूँ और ये 10 रेस टू 6 को इधर नजदीक लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, और इधर बचा क्या, सिर्फ 4 स्टेप, ज्यादा इंक्रीज होंगे तो भी चलेगा लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो अगर ये 3 इंटू 677 मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 कितना आ जाएगा, 37 21, इधर 2 कैरी, 3 6 18, 18 प्लस 2 20, 0 2 इधर कैरी हो जाएंगे, 3 6 18, 18 प्लस 2 आ जाएगा 2001, और ऊपर में क्या बचा है, 10 रेस टू 40। अभी देखो 10 रेस टू 2 इंटू 10 रेस टू 6 कितना आ जाएगा, 10 रेस टू 18, ये आप ये स्टेप में भी कर सकते हैं इधर, लेकिन मैंने आसानी के लिए अगर किसी को ना समझे तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्टेप को इंक्रीज कर दिया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन में ऊपर ले लेता हूँ, अभी देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अभी बचा क्या, 2001 इंटू 10 रेस टू 14, अभी देखो उसको और एक स्टेप बढ़ा लेंगे, इधर बचा कितना, 2001 अपॉन ये 4 को मैं इधर ले लेता हूँ। अभी देखो 10 रेस टू 8, इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें 10 कितने बार है, 8 बार मल्टीप्लाइड है, और इसमें कितने बार है, 14 बार, तो ये पूरी तरह कट हो जाएगा, और ये 14 कट हो जाके कितने बार बचेगा, 8 टाइम कट हो जाएगा तो 6 बचेगा, कितना बचेगा, 10 रेस टू 6, यहाँ बचेगा 10 रेस टू 6, क्योंकि 10 रेस टू 8 का मतलब क्या होता है कि इसमें 10 8 बार मल्टीप्लाई है, और 10 रेस टू 14 इसका मतलब क्या हुआ, 14 बार मल्टीप्लाइड बाय, तो इसमें 8 8 कट हो जाएंगे तो ऊपर वाले में सिर्फ 6 बार बच जाएगा, तो 10 रेस टू 6 बच गया, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, ये आ गया 10 रेस टू 6। अब ये अंडर स्क्वेयर रूट है, तो अंडर स्क्वेयर रूट होने के वजह से अब हम क्या कर सकते हैं, जिसका जिसका स्क्वेयर रूट आता है उसको बाहर ले लेंगे। तो देखो 4 का स्क्वेयर रूट कितना आता है, 2 आ जाता है, इसको बाहर ले लो, 10 रेस टू जो 6 होता है इसके न्यूमरेटर में 10 रेस टू 6 का कितना आता है, इसका मतलब क्या, 10 6 बार मल्टीप्लाइड बाय, तो उसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेस टू 3 इंटू, अभी हमको क्या करना है, 2001 का स्क्वेयर रूट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक तरीका बताता हूँ कि हमको स्क्वेयर रूट कैसे निकालना है। स्क्वेयर रूट निकालने के दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड है और एक है डिवीजन मेथड जो हमने सीखा है पहले, अगर आपने नहीं, आपको याद नहीं तो मैं वापस से दिखा देता हूँ। तो हमको देखो स्क्वेयर रूट किसका निकालना है, 2001 का स्क्वेयर रूट निकालना है, तो अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट है उसका स्क्वेयर रूट निकालना है तो दो दो पेयर जोड़ी का क्या करना है, ग्रुप्स बनाना है, तो लेफ्ट साइड से ऐसा ग्रुप बनाना है, इसको कहते हैं स्क्वेयर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। और
इस मेथड में, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इस मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ स्क्वेयर टेबल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, ऐसा। तो सबसे पहला पेयर क्या है, देखो 20 है, तो 20 देखेंगे तो 4 4 16 आता है, 5 5 25 आता है, तो 25 बड़ा नंबर है, डिवीजन में नहीं चलेगा, तो 4 4 16 हम ले लेते हैं। तो कैसे करना है, देखो इधर लिखना है 4 20 के बाद 4 4 जा, और इधर आएगा 16, इसको माइनस करना है, और हमने ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा है इधर प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4। फिर नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट पेयर नीचे लेना है, क्या आ जाएगा, 4 0 1। अभी देखो 8, अभी मैं यहाँ 0 लूंगा तो यहाँ भी मुझको 0 ही देना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 1 लूंगा तो यहाँ भी 1, तो 81 1 जा, इधर 2 लूंगा तो 82 2 जा, इधर 3 लूंगा तो 83 3 जा, ऐसा मुझको लेना है। तो देखेंगे कि अभी 4 0 1, अगर समझो मैं इधर एक रफ वर्क करता हूँ, 85 × 5 लेता हूँ तो क्या आता है, देखेंगे 5 5 जा 25, 5 2 5 जा 40 42, तो ये 425 हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या लेंगे, 84 4 जा लेंगे, ये बेहतर रहेगा, 84 4 जा कितना आ जाएगा, देखो 4 4 जा 16, कैरी 1 4 8 जा 32 33, कितना आ जाएगा 33, इसको माइनस करना है, और हमने जो क्वेश्चन में लिखा है इसको वापस से क्या करना है, इधर प्लस करना है, ये हो जाएगा 88, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, कैरी 1 3 4, ये जाएगा 65, ये कितना आ जाएगा, 65। अभी देखो आगे नंबर नहीं है, आगे नंबर नहीं है, कम से कम आप क्या करो, आगे के 3 डेसिमल तक निकाल लो तो आसान रहेगा कैलकुलेशन के लिए, तो आगे का नंबर नहीं है, और ये जो डिवीजन मेथड में है इसमें आगे जो नंबर होता है पेयर में होता है, इसके लिए क्या लेना है, 00, सिंगल जीरो नहीं लेना है, 00 हमको लेके सॉल्व करना है। तो देखो अभी ये 88 आ गया, अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो यहाँ भी 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ भी हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो समझो अगर मैं ऐसे लेता हूँ 888 लेके देखता हूँ क्या होता है, 8 8 8 8 8 8 8 क्या आ जाएगा, 64, इधर 6 आ जाएगा, 8 8 64, 64 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 77, 8 7 56, 56, और ये कितना हो जाएगा, 63, देखो 8 8 8 8 64, 6 8 8 64, 8 8 64, 8 8 56, 56 हो गया 63, 6 3 0 4, इतना हो गया 6304 हो गया, 8 8 64, 8 8 64 बराबर है, 8 8 64, 70 64, और 78 7 50 8 8 64, 64 इधर गलती हो गई, वही बता रहा हूँ क्या गलती हो गई, 8 8 64, 64 प्लस ये आए तो 71 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 71, 71, तो 7 1 0 4 ये बड़ा हो जाएगा, तो हमको लेना है, अगर हम 7 लेके देखते हैं तो 7 इससे कम आ जाएगा, तो इधर आगे हमने 0 डाला था इसके लिए आंसर में आएगा पॉइंट, यहाँ डालेंगे 7, 7 7 जा क्या आएगा, देखो 49, इधर 9, इधर 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 60, 60 इधर 6 कैरी, 7 8 जा 56, 62 आ जाएगा, 62, तो ये माइनस करेंगे, और ऊपर जो कैरी किया है 7 को इधर प्लस करेंगे, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, इधर कैरी करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 894, तो थोड़ा ऊपर लेते हैं स्क्रीन को, तो देखो ऊपर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे अभी तो 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, ये हो गया 4 4 माइनस 2 हो जाएगा 291। अभी देखो इधर अगर 0 लेंगे तो इधर 0, इधर 1 लेंगे तो 1 2 3, तो मेरे ख्याल से इधर 3 लेके देखते हैं, 8 9 4 3 × 3 कितना है, 3 3 9, 3 4 12, कैरी 1 3 9 27, 28 8 2 3 8 24 26, 26829। इधर आगे कोई नंबर हमने नहीं लिया तो इसको 2 0 ऐड करना है, तो 26829 ये बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 26829। फिर से इसको वापस से क्या करना है, यहाँ +3 करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 9 4 8 9,
लिखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है इससे, इसके लिए आपको मैं माफी चाहता हूँ। ये देखो 8, 9, 4, 6, इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 10 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 9 प्लस 10 के अरिवन, 10 के अरिवन 8, 9, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। 9 प्लस 10 के अरिवन 9, 11 के अरिवन 6, 7, ये आ जाएगा 2। फिर देखो और आगे 2 नंबर करना है, बढ़ाना है, तो 8, 9 इधर अगर 1 लेना है, 2 लेना है, इधर अगर 2 लेंगे तो इधर भी 2 लेंगे तो 2 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो क्या हो जाएगा, इसको 2 2 4 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा, कैरी इवन, 2 4 8 9 आ जाएगा, 2 9 18, 18 कैरी इवन, 2 8 16, 17, 17 आ जाएगा। तो आगे करना जरूरी है, 44.73A को आ गया इसका आंसर। तो आगे इधर सॉल्व करेंगे तो इधर देखो क्या आएगा, 10 रेज टू 3 अपॉन 2 इंटू क्या आएगा, 44.732, 44.732। इधर देखो अभी क्या करेंगे, इसको 10 रेज टू 3 अपॉन 2 इंटू इसका भी पॉइंट कट करेंगे, 44732 आ गया। पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो आ जाएंगे 1 और 3 0। तो 10 रेज टू 3 का भी मतलब क्या होता है, 1000 ही होता है, तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, बचा कितना, 44732 अपॉन 2, ये बच गया। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, इधर क्या रहेगा, 13 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, ये आएगा मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन हमको इसको अगर किलोमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 2 3 6 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 किलोमीटर भी कितना मीटर होता है, 1000 होता है, तो इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 0, तो 3 नंबर के बाद में पॉइंट डाल दो, तो ये हो जाएगा 22.366, और ये हो जाएगा थर्ड नंबर 5 से ज्यादा है तो इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 22.37 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 22.37 किलोमीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा।